ए मुझे हाइड्रोजन नहीं आ रही ला रहे। ए राजू, अबे उसको ऑक्सीजन कहते हैं गधे। अरे मैं हाइड्रोजन गाड़ी की बात कर रहा है। उसके लिए हम है ना। हेलो फोक्स, मैं हूं कुंदन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन गाड़ी के बारे में। इंडिया में हाइड्रोजन गाड़ियों को लेकर इतना बस क्यों है, सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है और क्या इनके आने से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद हो जाएंगी, डिस्कस करेंगे ये सब। लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हल्ला शुरू हुआ कुछ महीने पहले जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा की पहली हाइड्रोजन पावर्ड कार मिराए में बैठकर संसद पहुंचे। शायद गडकरी ये बताना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो ठीक है बेटा, लेकिन जल्द ही भारतीय सड़कों पर हाइड्रोजन वाली गाड़ियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहां ये क्लियर करना जरूरी है कि इंडिया में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट मोड में है। मतलब ये कि इन गाड़ियों का सिर्फ ट्रायल चल रहा है। क्लाइमेट चेंज रे बाबा। अब आपको तो पता ही है कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां कितना पॉल्यूशन फैलाती हैं, इसलिए दुनिया भर के देशों के साथ साथ इंडिया भी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। यही वजह है कि 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया गया। अब पर्यावरण के लिए इतना तो बनता है ना। फायदे एकदम कड़क है बॉस, ऐसा हम नहीं बोल रहे, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। पहला फायदा, रेंज। हाइड्रोजन वाली गाड़ियां एक बार में 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। फायदा नंबर दो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह इन्हें घंटों चार्ज नहीं करना पड़ता है, ये गाड़ियां महज 2 से 4 मिनट में रिफिल हो जाती हैं। फायदा नंबर तीन, इनसे पोल्यूशन ना के बराबर होता है। और फायदा नंबर चार, दुनिया में हाइड्रोजन की भरमार है, और तो और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से भी इसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब ये कि बैटरीज की तरह आपको डिमांड और सप्लाई वाली प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहला है सेफ्टी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल से भी ज़्यादा। ऊपर से हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी सिस्टम में इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकेमिकली मिलकर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ हाइड्रोजन फ्यूल मोटर्स 350 वोल्ट से भी ज़्यादा के वोल्टेज पर रन होते हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है। दूसरा नुकसान, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में हाइड्रोजन गाड़ियों के लिए अब तक कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सका है, तो थोड़ा इंतजार करने का ना भाव। और हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बंद नहीं होने वाली है। टोयोटा मिराई इंडिया की पहली हाइड्रोजन कार है। अप्रैल 2022 में केरल में पहली हाइड्रोजन कार रजिस्टर की गई। इसुजू, डेंसो, टोयोटा और हाइनो जैसी कंपनियां हाइड्रोजन इंजन पर रिसर्च कर रही है, और साल 2025-26 तक बॉश भारत में अपना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। तो बॉस, ये था हाइड्रोजन गाड़ियों पर हमारा खास वीडियो। वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट करके बताइए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।